Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sam Nonstop. This is me guys, we are Sanu and you are watching Sam Nonstop. So guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है वापस से दोबारा से तुम लोगों की रिक्वेस्ट और बहुत ज्यादा सजेशन के बाद जो है ये वीडियो एलविश यादव की एटीट्यूड वीडियोस इसको बोल सकते हैं, उनकी एडिट्स वीडियो बोल सकते हैं, उनका रोस्ट बोल सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू से इट गाइस. आज दोबारा से जो है वो एलविश के ऊपर उनके स्टेटस, उनके इंस्टाग्राम रील्स हम लोग देखने जा रहे हैं. फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट. लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आप लोग एलविश यादव के फैन है तो इस वीडियो को जम के जो है वो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा. जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे मैं समझ जाऊंगी तुम सब एलविश यादव के फैन हो. और एलविश यादव के लिए रेड हार्ट कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर टाइप कर दीजिएगा. और जो तो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया यार, प्लीज फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर दे देना. कुछ बहुत ज्यादा लोग हैं वीडियो देखते, लेकिन सच में मैं झूठ नहीं बोल रही. तो आप में से जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं उनके लिए तो यार बिग थैंक यू, लेकिन जो लोग नहीं ना करते ये मैं उनके लिए बोलती हूँ. बिकॉज वो भी ढीठ बने रहते तो फिर मैं भी ढीठ बनी रहती हूँ. वो भी नहीं करते तो मैं भी बोलती रहती हूँ सब्सक्राइब कर दो, बस ऐसे ही चलता रहता है हमारा, ठीक है. लेकिन जितने लोगों ने किया हुआ है ना यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो वो फिर कह देते हमने तो किया हुआ है. हमें क्यों बोलती भाई, ये तुम लोगों को नहीं बोलती, ये जिन लोगों ने नहीं ना किया था उनको बार बार बोलती हूँ मैं, ठीक है. तो फर्स्ट वाला स्टेटस है हमारे पास. और भाई ये दो तीन ऑटो वाले क्या कह रहे हैं कि कैरी जीतेगा. जब यहाँ पे राव साहब आ चुका तो कैरी पैरी और कैसे जीतेंगे भाई. अच्छा मैं ना इधर एक चीज बोलना चाहूंगी, मैंने आज तक किसी बंदे को नहीं देखा कि कैरी के बारे में ऐसे बात करते, बिकॉज पता है कि आगे से जवाब आएगा. लेकिन जहां पर हमारे रॉ साहब आ जाते हैं ना, ठीक है, एलविश यादव आ जाते हैं, वो कैरी को कैरी पैरी भी बोल सकते हैं भाई. वाह, मतलब कैरी पैरी भाई क्या है भाई, अपना रॉ साहब आ गया तो उसने ही जीतना ना, ठीक है. तो नेक्स्ट देखते हैं. अरे सिर पे चढ़ रही है तो अभी से, तुम्हें पता है सिर पे मत चढ़ो अभी इतनी जल्दी. क्यों? अंदर मौका देंगे आपको सर पे. चलो ठीक है, अंदर चल के दिखा. आपका झुमका गिर गया, कोई बात नहीं. मोमेंट है भाई, मोमेंट है. इतनी प्यारी लड़की कैसे प्यार नहीं होगा, मतलब यार इन दोनों के ना क्यूट मोमेंट है. नेक्स्ट देखते हैं. तुम्हारा भाई दोबारा काम पे लौट चुका है, बीच में थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी. अब वी आर बैक, वी आर बैक इन द टाउन गाइस. ऊंचा उड़ के इतना इतराओ मत परिंदो, मैं औकात पे आ गया तो आसमान खरीदूंगा. वाओ, नेक्स्ट देखते हैं. हर चीज में हम किसी न किसी चीज से रिलेट करते हैं. जैसे ही जैसे वैलेंस का नाम आता है तो हम छह शादियों से रिलेट करते हैं. आरोही का नाम आता है तो हम चिल से रिलेट करते हैं. उसके बाद फिर प्लेग्राउंड का नाम आता है तो गेमिंग से कर लेते हैं, है ना. और जैसे ही एल्विश का नाम आता है तो हम थप्पड़ से रिलेट कर लेते हैं. ये तो मैक्सवेल को साइलेंट रोस्ट कर दिया इसने. नेक्स्ट देखते हैं. शादी के बाद तू हर बार सेम सवाल क्यों कर रहा है मेरे से यार. तुझे पता है मेरा कितना दिल दुखता है कि मेरे घर वाले ना करवा रहे और मैं रेडी बैठा हूँ. पता क्यों? कि तेरी दादी ते तेरा भाई ना देख ले दे ना. लड़ाई लगवाने मैं तू मम्मी का लड़ाई तू ना है, लड़े करना. इतना बुरा भला बोल रहा है तेरे बारे में, मेरे तो ना मेरा क्या कह रही थी. दादी से आनी है मुड़ से भी प्यार हो ब्याज है तू सब से प्यार हो तो थैंक्स माँ फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स थैंक्स. यार ये जो दादियां नानियां होती है ना, कसम से इनको अपने बच्चों से ज्यादा ना अपने बच्चों के बच्चे प्यारे होते हैं, ये तो बात माननी पड़ेगी. और अपने उनके बच्चों की कहते ना अपने बच्चों को भी डांट देती है, कहा इसको नहीं हाथ लगाना मेरे पोते को. नेक्स्ट देखते हैं. भाई साहब हम आते हैं, हिस्ट्री क्रिएट होती है ना. बाकी बढ़िया, अभी काम वापसी और इस बात पे लाइक प्लेग्राउंड. तुम्हें जो मैंने देखा
तुम्हें जो मैंने जाना। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, पिंगो जब पिंगू जब गया था ना मेरी टीम से, इसकी टीम में, मैं पिंगू को बोल दिया था हो गया, यही चाहिए था, अब तो विन है। फुल लाइन दे रही है पीछे वाली दोनों लड़कियां। यार मतलब लाइक कितना हैंडसम लड़का होगा तो ऑब्वियसली लड़कियां फिसल जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर अ वाइल्ड कार्ड दिस गेम इज वेरी डिफरेंट। The winner of Playground Season 3 and the ultimate gaming entertainer. Wo hai Chirag from Elvish's Gale of Dragons. Excuse me, main kehne lagi thi wow to mujhe chink kiya. Bhai Ross ab to jeette hain. यार कहीं कहीं जगह पे ना हो सकता मैं म्यूजिक चेंज भी कर दूं क्योंकि वो ना फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता, मैं क्या करूं। नेक्स्ट देखते हैं। तो इस बारी कैरी को ट्रॉफी कैरी नहीं करने देंगे, टेक्नो के कान में टेक्नो म्यूजिक बजा देंगे, सुनेगा नहीं तो ट्रॉफी कैसे जीतेगा। Exactly. और हमारे फुकरा भाई की किस्मत में तो देखो ट्रॉफी है नहीं, तो इस बारी प्लेग्राउंड सीजन 3 का बादशाह कौन? तुम्हारा एल्विश बाय। एल्विश बाय, क्या आगे कोई बोल सकता है क्या? नेक्स्ट देखते हैं। नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बाद। देखिए मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा, अरे नहीं नहीं, आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। राहुल गांधी के लिए और किसके लिए आप बोलेंगे? नेक्स्ट देखते हैं। देखो विनर तो एक ही होगा, कोई भी हो सकता है मेरी टीम का। कोई भी, बाकी दिल छोटा मत करना, और भी शोज आएंगे फ्यूचर में ना, उनमें क्या पता आजमा लेना, सेकंड थर्ड आ जाओ वहां भी अगर हमारी टीम में ना हो तो। भाई एल्विश को ना एक चीज का ये कि उनको कॉन्फिडेंस होता है कि बस मैंने जीतना है, ठीक है। एक्चुअली एल्विश के पीछे ना बहुत ज्यादा सपोर्ट है लोगों की, ठीक है, और ऊपर से प्लेयर्स भी उसके अच्छे हैं इस दफा प्ले ग्राउंड के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं। मनीषा अच्छी है, उसके लिए गलत मत बोलना। ओके ओके भाई, ओके यार, ओके यार, 40 रुपए दे के तुमने धमकी भी तो दे दी, सॉरी यार। या मनीषा अच्छी है यार। नेक्स्ट देखते हैं। मेरे पे फोन आया यूके राइडर 07 का, कहता कि भाई आप मेरी नगरी में आ रहे हो। मैंने कि कौन सी नगरी में आ रहे हो? कह रहा देहरादून। मैंने कि यूके 07 देहरादून का होता है? तो भाई मेरा ओपन चैलेंज है यूके 07 का कि हम उसकी नगरी में आएंगे भाई के किसी करके जा चला जाए जा। और भाई ये क्या कर रहा है बंदा? अरे अच्छा अभी यूके 07 के साथ इसकी कोई चल रही है बात ऐसे, मतलब लड़ाई झगड़ा जैसे मैक्सट्रन के साथ चल रहा था। नेक्स्ट देखते हैं। भाई पंजाब जीत गई गाइस, एंड एल्विश ने वही वाला लड़का उधर ले, एल्विश भाई इतना बड़ा चेंज कर दिया पहली बार हुआ ना भाई साहब, हम आते हिस्ट्री क्रिएट होती है ना। बाकी बढ़िया, अभी काम वापसी और कांग्रेचुलेशन प्ले ग्राउंड। नेक्स्ट देखते हैं। हमारी हमारी जिंदगी सिर्फ पॉजिटिविटी को लेके है कि कैसे पॉजिटिव रहा जाए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। दूसरों के लिए कोई कुछ गलत कर रहा है उस पे भी हम लोग, उसमें भी मैंने बोला कि मत क्या कर रहा है, इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। और ऊपर से मैंने बोला कि मेरे लिए कर लिया करो, मैं भी बोलता हूँ मेरे लिए कर लिया करो, क्योंकि इट्स ओके, हमारी थोड़ी मोटी चमड़ी है, हमें थोड़ा फर्क नहीं पड़ता। पर कई बेचारे गवार लोगों को जिनके घर पे कभी कभी लाइट भी नहीं आती होगी, उनको फर्क पड़ जाता है। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ, अगर इफ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग, अगर तुम्हारे घर में अच्छा नेट चल रहा और तुम्हारे घर में लाइट आ रही है और तुम तब देख पा रहे हो, तो भाई थोड़ा टॉलरेंस लेवल लाओ अपने अंदर है। अच्छा, अब मेरे अंदर टॉलरेंस लेवल लाओ, मैं तो नहीं पता क्या कर दूं, धीरे धीरे सीख रहे हैं टॉलरेंस लेवल। यार बिल्कुल भी नहीं,
इसके एल्विश के अंदर तो बिल्कुल भी टॉलरेंस लेवल बिल्कुल जीरो है, बिकॉज अगर होता तो मैक्स फ्रेंड को इतनी जोर से तब पढ़ना पड़ता। नेक्स्ट देखते, ठीक है नेक्स्ट देखते। नेक्स्ट देखते हैं। तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है इंडिया में? ये तो गुड़गांव है। गुड़गांव मैं कह रहा हूँ, गुड़गांव में एंट्री कौन दे रहा है तुम्हें? तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है भाई? एल्विश दे देगा उसको, इतनी क्यूट तो लड़की है। नेक्स्ट देखते हैं। एल्विश, हाँ जी भाई, आपने एक सिस्टम को ही हिला डाला। मुझे सिस्टम का पता नहीं, लेकिन अभिषेक को तो आपने हिला डाला। एल्विश तुमने तो पूरा सिस्टम हिला दिया। सिस्टम तो वे सिस्टम के नीचे तो रहना ही पड़ेगा, हमें आपको सबको रहना पड़ेगा। तो सिस्टम तो सिस्टम है देश का। जलवा एल्विश का भाई। नेक्स्ट देखते। ऐसा कौन सा नल है जिसमें से पानी नहीं आता पर वो असली होता है? बहुत इजी है ब्रो। अरे मैंने ये सब तोड़ी आवा है भाई, मेरा नहीं। कौन सा नल है भाई? ऐसा कौन सा नल है जिसमें से पानी नहीं आता पर वो असली होता है, बताइए भाई। भूल गया। बहुत इजी है ब्रो। आप लोगों को पता है मंडल में बताओ। मेरा पता मुझे। अरे मेरे को कहा था। ऐसा कौन सा नल है जिसमें से पानी नहीं आता पर वो असली होता है? असनल असनल अश्लील भैया मैं माँ तो नहीं बन जाऊंगी। यार अच्छी थी, फनी थी, एंटरटेनिंग थी, ठीक है। और बहुत ही कमाल की जो है वो एल्विश यादव की सारी इंस्टाग्राम रील्स थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है इस दफा जो है वो प्ले ग्राउंड के अंदर कौन जीतेगा? मेरे ख्याल से तो एल्विश जीतेगा। आप लोगों के ख्याल में कैरी जीतेगा, फुकरा जीतेगा, टिकटॉक गेमर जीतेगा, या और कौन है वैसे? और कौन है मुझे भूल गया, और कोई है अभी तो, ठीक है। तो आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।